नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के भोजपुर के आरा में सूर्य मंदिर सहित कई छठ घाटों पर उमड़ा व्रतियों का सैलाब। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ महापर्व छठ। भोजपुर में आस्था और विश्वास का महापर्व छठ अपनी प्राचीन संस्कृति को समेटे उदयगामी भुवन भास्कर सूर्य को अहले सुबह अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। बिहार के लोग महापर्व छठ पर भोजपुर की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह होने से ही पूर्व ही छठ व्रतियों के गीतों से जिले के शहर और गाँव झूम उठे। सर्वत्र छठी मैया के गीत से वातावरण गूंज उठा। छठ के पारंपरिक गीतों को गाती छठव्रती महिलाएं रात्रि प्रहर ही जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर निकल पड़ी और नदियों, नहरों और जलाशयों पर स्थित छठ घाट पर पहुंच उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ घाटों पर स्थित सूर्य मंदिरों में भगवान भास्कर की पूजा की और फिर दौरे में सुसज्जित प्रसाद के साथ वापस घरों को लौटे। आरा के कलेक्ट्रेट तालाब के सूर्य मंदिर पर हजारों की संख्या में छठव्रतियों ने गुरुवार को दूसरा अर्घ्य दिया। कलेक्ट्रेट घाट पर आरा के स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान व्रतियों का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ठीक एक दिन पहले आरा के सांसद और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी कलेक्ट्रेट घाट का जायजा लिया था। व्रतियों की सुविधा को लेकर कई निर्देश जिला प्रशासन को दिए थे। कलेक्ट्रेट तालाब सूर्य मंदिर पर भाजपा के अधिवक्ता मंच के प्रदेश संयोजक तारकेश्वर ठाकुर, कांग्रेस नेता प्रोफेसर राजेंद्र ओझा सहित कई लोग छठ व्रतियों को सहयोग करने में जुटे हुए थे। उधर आरा के गांगी नदी से जुड़े आरा शहरी क्षेत्र के सोन नदी के सुरमय तट पर व्रतियों ने छठ पूजा की और गुरुवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। भोजपुर जिला ब्यूरो, विजय शंकर।